गीता के तीसरे किसान समारोह में मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका देने के लिए मैं प्रबंधन बोर्ड का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, पिछले कुछ समय में, बहुत ही कम समय में, इस संस्थान ने न केवल आसपास के इलाके में उनके देश प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी ख्याति बनाई है, एक अग्रणी संस्थान के रूप में ख्याति प्राप्त की है, उसके लिए आप सब प्रबंधन अध्यापक डायरेक्टर सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अच्छी बात यह है, विविधता में एकता को यहां पे दिखाई दिया गया। बहुत अच्छा लगा है जान के कि इस संस्थान में केवल हरियाणा रोहतक या आसपास के विद्यार्थी नहीं है, बल्कि यहां पे दूसरे देशों का रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी खासी तादाद में है, से अफगानिस्तान से है, भूटान से है, नेपाल से, नाइजीरिया से, कोरियोरी से है। ये वास्तव में सराहनीय कदम है और आप इसको बनाए रखिएगा। दोस्तों के गीतम को बेस्ट कॉलेज अवार्ड से नवाजा गया, आप ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एक्टिविटीज के लिए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए इस संस्थान को बहुत अच्छी रैंकिंग मिली। यूनिवर्सिटी में इसकी अपनी पोजीशंस हैं, ये चर्चा आगे है। तो कुल मिला के एक वातावरण जो यहाँ पे पैदा किया हुआ है, गुप्ता जो अग्रवाल साहब उनकी पूरी टीम ने सभी अध्यापक और विद्यार्थियों के साथ मिलकर जो संस्कार का वातावरण यहाँ पे पैदा किया हुआ है, इस लोग को जलाए रखना। दोस्तों, सारी शुभकामनाओं के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी कहूंगा जो एक बार बोलने लगे हैं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपको शाम समुद्र मिले। आपको वो समुद्र मिले जो दिलों में मार रहा हो, क्योंकि मेरी इच्छा मेरी दुआ ये है कि आप एक कुशल नाविक बने और शाम समुद्र में कोई भी कुशल नाविक नहीं बन सकता। यानी जब तक आपके लाइफ में चैलेंज नहीं होगा, जब तक आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी, मुसीबत नहीं आएगी, तब तक आप में जीवन को जीने की एक जो लालसा है वो पैदा नहीं होगी। इसलिए समय समय पर चुनौतियों का सामना कीजिए, अपने बौद्धिक बल से उन चुनौतियों को एक अपरिमेय कन्वर्ट कीजिए, जिससे आपका, आपके समाज का, आपके काम का, देश का भला हो। यदि आपको ध्यान हुआ, सुनाया हो, बड़ी किसी ने आपने पढ़ा हो, अभिनंदन चक्र व्यूह में फंस गया था, इस तरह के चक्र व्यूह आपके बारे में भी आएंगे। लेकिन अभिनंदन से हमें एक चीज सीखने की जरूरत है, जीवन में जब भी मुसीबत आ जाए, हारना नहीं पड़े, हिम्मत से हारना, लेकिन जीवन में हिम्मत कभी मत हारना। फिर मैं आपके लिए कुछ याद करूं, हिम्मतें मरता मरते खुदा। यदि आप हिम्मत रखेंगे तो पूरी कायनात आपका साथ देगी। दोस्तों, एजुकेशन, शिक्षा वो हथियार है आपके हाथ में, जिससे आप कुछ भी परिवर्तित कर सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। यदि हम बात करें अपने पूर्वजों की, वन मानुष को हमारे लिए क्या फर्क है? इतना फर्क है कि हमारे पास जो ताकत है वो वन मानुष के पास कभी नहीं आई, और वो ताकत है आप में औजार या कलम पकड़ने की। आप कभी देख लेना गूगल पे, जब वन मानुष को आप देखेंगे
तो हर मानुष की उंगलियां ऐसे इकट्ठी नहीं होती कभी भी, ऐसे होती है अनोखा रंग रहता है। ये जो ताकत आई है हमारे अंदर कलम या औजार पकड़ने की, ये बहुत संघर्ष के बाद आई है, बहुत चुनौतियों के बाद आई है। इस ताकत को अपने लिए और अपने समाज के लिए, देश प्रदेश के लिए एक ऐसे के रूप में आप यूज कीजिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। हालांकि बोलना मेरी कमजोरी है और एक अध्यापक को इतने सारे इतने अच्छे विद्यार्थी एक साथ मिल जाए उसका रुकने को दिल नहीं करता, दिल मेरा भी नहीं करता, लेकिन समय की मर्यादाएं कुछ ऐसी हैं। आपको, आपके परिवार को, आपकी संस्था को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यह दिन सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी संस्था के लिए एक यादगार दिन है। और इस दिन की यादें हमेशा ताजा तब रहेंगी जब आप डिग्री का सम्मान करेंगे। जब आप डिग्री का सम्मान करेंगे तो तभी आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता और संस्थान आपके ऊपर मान करेंगे। मैं आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बात के द्वारा आप जो मैसेज देना चाहूंगा वो भी आपको जाते जानना बहुत जरूरी है। हिम्मत में मतलब लाइफ में कभी हिम्मत मत हारना, हौसला मत हारना, क्योंकि वर्णन में यही आता है कि अब तो भगवान ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मरते ही चैन ना मिला तो किधर जाएंगे।